गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 व्हिच इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, ये एक कमर्शियल मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेशियो। क्या है रेशियो? तो आप लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो मींस कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज, है ना। अब देखो कैसे, स्पीड ऑफ ए साइकिल। अब देखो क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ ए साइकिल, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें कंपेरिजन करना है साइकिल और स्कूटर की स्पीड का, ठीक है। मींस रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो रेशियो निकालते हैं, एक बात ध्यान रखो, जिसका नाम पहले आया वो पहले आएगा, जो बाद में आया वो बाद में आएगा। मतलब साइकिल टू स्कूटर या स्कूटर टू साइकिल, है ना। बॉय टू गर्ल, बॉय टू टोटल स्टूडेंट, मींस जो पहले आया उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में लिखेंगे। और दूसरी बात, जो नंबर्स दे रखे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट कैसे, ये 15 किलोमीटर पर आ रहे और ये भी 30 किलोमीटर पर आ रहे, ठीक है। अगर मान लो यहां दिया हुआ था 15 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमें इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। अभी तो सेम है, कोई इशू नहीं है। साइकिल की कितनी है 15, स्कूटर की 30। अब ये दोनों जिससे कट हो रहे हैं उससे कट करो, 15 1 15 2 means 1:2 इनका स्पीड का रेशियो है, डन। अब जैसे बी पार्ट देखो, 5 meter to 10 kilometer। अब देखो 5 meter to 10 kilometer दो क्वांटिटी दे रखी है, दो नंबर्स दे रखे हैं, एक मीटर में एक किलोमीटर में। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई लॉन्ग भी नहीं होगा, 5 meter to 10 kilometer, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था दोनों सेम होने चाहिए, तो अब सेम बनाओ दोनों को। कैसे, 5 meter 1 kilometer में 1000 meter होता है, तो 10 kilometer में कितना हो जाएगा 10,000 meter। ये मीटर से मीटर भी कट गया, 5 1 5 2 2000। एक और बात, डिस्टेंस, एरिया, सर्कमफ्रेंस, वॉल्यूम या क्वांटिटी, जैसे लीटर हो गई या डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इन सबके पीछे लीटर, मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ ना कुछ लगता है, बट रेशियो में कुछ नहीं लगता है। ये 1:2, रेशियो तो क्या है, कंपेरिजन, और कंपेरिजन की कभी कोई यूनिट नहीं होती। हम सिर्फ इतना बताते हैं कि इसका इससे इतना ज्यादा है, इसका इससे इतना ज्यादा है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं या इतना कम है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती। अब यूनिट सेम होनी चाहिए जिसकी कंपेरिजन कर रहे हैं उनकी, है ना। जैसे 5 और 10 का कंपेरिजन किया हमने, सेम बनाया, तो ये सेम होने के बाद में ही कंपेरिजन आएगा, डन। बी क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, सी क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। सेकेंड, रेशियो टू परसेंटेज, रेशियो टू परसेंटेज। अब देखो रेशियो बोलो फ्रैक्शन बोलो एक ही बात होता है, ठीक है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसका मल्टीप्लाई बाय 100 करो। जैसे मैं बी पार्ट बताऊंगा इसका, ए पार्ट आपको सेल्फ करना है, 2:3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कुछ आ जाएगा 200/3। अब इसको चेंज कर दो तो ये आएगा 6 6 / 2 3%। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड हुआ, नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। देखो ये चैप्टर ऐसा है कि जो अगर आप बेसिक लाइफ से रिलेट करोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
देखो इस चैप्टर के या इस चैप्टर के क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही क्वेश्चन को दो या दो से तीन तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी को अच्छी बात लगती है, किसी को गंदी बात भी लगती है। अच्छी बात किनको लगती है कि जिनको दोनों मेथड आ जाए, ठीक है, और गंदी बात किनको लगती है जिनको दोनों में से एक भी नहीं समझ पाए। तो देखो ये क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे रिलेट करना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 गुड इन मैथ्स, गुड इन मैथ्स कितने हैं? अब ये परसेंटेज में गिवन है ना, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन नहीं है, परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। तो इस गिवन है परसेंटेज में। अब देखो मैथ्स के अंदर 75% अच्छे हैं, और किसी भी चीज का स्टार्टिंग में जो परसेंटेज काउंट होता है वो 100% काउंट होता है। कितना काउंट होता है? 100%। तो नॉट गुड इन मैथ, नॉट गुड इन मैथ, सिंपल सी बात है, 25% होगा, 75 अच्छे बच्चे हैं, 75% जो बच्चे उनको मैथ्स अच्छी है, तो पीछे कितने बचेंगे? 25% बचेगी, 75 + 25 100 होता है, इसलिए, ठीक है। अब देखो ये परसेंटेज में तो मिल गया हमें, परसेंटेज तो पता चल गया कि इतने बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, बट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, नंबर्स कितने हैं? तो 25%। अब ये 25% किसका है? टोटल बच्चे हैं उसी का है, तो 25% ऑफ 25, ये 25 क्या है? टोटल बच्चे। तो 25/100 × 25, ठीक है। अच्छा यहां 72 था तो ये 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, ठीक है। 28/100 × 25, 25 × 25, 25 × 4 = 4, 7 × 4 = 7, तो 7 बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं, ठीक है। अब इधर ही देखो 72% × 25 मींस इतने बच्चों को मैथ्स पसंद है, तो पहले हम उन बच्चों की क्वांटिटी निकालते हैं जिनको मैथ्स पसंद है, क्वांटिटी, ये तो परसेंटेज में गिवन है, क्वांटिटी कितनी होगी? 72% × 100 × 25 = 4, 4 × 4 =, तो ये आ गया 18, मींस 18 बच्चों को मैथ्स पसंद है, ठीक है। अगर 18 बच्चों को मैथ्स पसंद है तो नॉट गुड इन मैथ्स, नॉट गुड इन मैथ्स, वो कैसे आएगा? 25 - 18 एंड में जाके माइनस कर दो, ये 18 तो क्या था कि इतने बच्चों को मैथ्स पसंद है या मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है। तो 7 बच्चे जो है वो मैथ्स में अच्छे नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, दोनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हो आप, फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, मैच वॉन या वॉन मैच 10, ठीक है। हाउ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड इफ दे विन परसेंटेज वाज 40, विन परसेंटेज इज 40%, then how many matches did they play in all to find total number of match, अब देखो किसी टीम ने फुटबॉल के मैच खेले, उस टीम ने 10 मैच जीते, तो उनका विनिंग परसेंटेज 40% है, विनिंग परसेंटेज 40,
ये 10 जो है ये 40 परसेंटेज काउंट होगा, कैसे कि जितने मैच जीते उसका परसेंटेज है 40%, और हमें फाइंड करना है टोटल विन मैच ओके नहीं टोटल मैच, लेट टोटल मैच इज इक्वल टू एक्स, मान लो उन्होंने एक्स मैच खेले, तो एक्स मैच खेले अब इसका कुछ परसेंटेज निकालेंगे, तो 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10 मीन्स टोटल मैच का 40% जो है वो विनिंग परसेंटेज है, तो उसका कितना आ रहा है 10 आ रहा है, कैसे 10 गिवन है, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल 10, 0 से 0 गया, x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10/4, 2 2 2 5 2 1 2 5, x की वैल्यू आ गई 25, डन गॉट इट, तो टोटल कितने मैच खेले 25%। अब अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है तो कैसे चेक करोगे, तो देखो बच्चों टोटल मैच कितने खेले 25 खेले है ना, तो 40% ऑफ 25 निकालो, कि 40% ऑफ 25 क्यों निकालना है, देखो 40% ऑफ 25 मींस टोटल मैच का 40% मैच ही उन्होंने जीता है, विन किया है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है 10 क्वांटिटी, मतलब वो 10 मैच जीते हैं, अगर इसकी वैल्यू 10 आती है तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग है, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 वन सा 4 सा 4 वन सा 4 10 सा तो ये आ गया 10, ओके आया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली है रेज 1600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75%, चमेली है मनी, अब चमेली के पास कितना मनी है अभी 600, ओके स्पेंडिंग 75%, ओके टू फाइंड टोटल मनी, टू फाइंड मनी इन बिगनिंग, मनी इन बिगनिंग, अब देखो कोई लड़की है चमेली, उसके पास कुछ पैसा था, उसने खर्च कर दिया, कितना खर्च किया 75% ऑफ टोटल अमाउंट सी स्पेंड, उसने 75% उसके पास जितना भी पैसा था उसका 75% खर्च कर दिया, तो पीछे कितना बचा 600, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर बताया था कि टोटल परसेंटेज हमेशा कितना होता है 100% होता है, ठीक है, तो स्पेंडिंग इतना है तो सेविंग कितनी हुई, सेविंग इन परसेंटेज जो पीछे बच गया वही तो सेविंग है, 25% होगा, ठीक है 25% होगा, अभी 25% और 600 दोनों इक्वल है, कैसे, ये भी सेविंग है, ये सेविंग परसेंटेज में, ये सेविंग रुपीस में है, तो दोनों इक्वल ही, ठीक है, ये सेविंग परसेंटेज में और ये सेविंग रुपीस में, अब आपको पता लगाना है कि टोटल कितना था उसके पास स्टार्टिंग में, लेट टोटल मनी इक्वल टू एक्स, अब देखो 25% ऑफ एक्स है ना, जो टोटल अमाउंट था उसका 25% ही तो है 600, अभी मैंने क्या बताया ये और ये दोनों सेम है, ये परसेंटेज में है ये रुपीज में है, ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट था उसी का तो 25% 600 है, तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स 600, तो एक्स विल बी 600 मल्टीप्लाई बाय 100/25, 25 बन जा
फोर सा ये आ गया 2400। डन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट। अब देखो ये यहीं पे हो जाएगा, क्रिकेट कितने परसेंट कहते हैं, 60%। 30% इज लाइक फुटबॉल, फुटबॉल 30%। डन। द अदर गेम्स, रिमेनिंग अदर गेम्स, अब देखो अदर गेम्स कितने परसेंटेज लाइक करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था टोटल परसेंटेज 100 होता है, 60 तो क्रिकेट हो गया, 30 फुटबॉल हो गया, तो जो पीछे परसेंटेज बचा है वो अदर गेम्स का हो गया, तो वो हो गया 10% लोग अदर गेम्स को पसंद करते हैं। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हुज लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब देखो हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो परसेंटेज में गिवन है, कि 50 लाख में से 60% ये क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल, 10% अदर गेम्स, तो इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी पता लगानी है। तो क्रिकेट की कैसे होगी, देखो क्रिकेट का परसेंटेज कितना है 60, तो 60% ऑफ 50 लाख, अब 50 लाख कैसे होगा, ये हो गया आपका 50 लाख। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेना जैसे ये किया हमने, है ना, कि 60 60